कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत तसई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रांगण छत विक्षत एवं गंदगी से भरपूर था, जिसे तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने साफ सफाई कराकर संपूर्ण परिसर में इंटरलॉकिंग ईंट द्वारा खरंजा करवा दिया है। इसके अलावा विद्यालय प्रिंसिपल ने जीर्ण शीर्ण खिड़की दरवाजे की भी मरम्मत करवाई है। विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षाएं चलती है। इन सभी कक्षाओं के लगभग कुल 10 सेक्शन हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल ने पर्याप्त कक्षा कक्ष बताए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि अभी 2 कमरों की और जरूरत है। विद्यालय में चल रहे सब्जेक्ट के अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर शिक्षा को भी विद्यालय में शुरू करवाने की अपील की है, जिसके लिए शिक्षा विभाग को प्रपोजल भेज दिया गया। विद्यालय में शिक्षा का स्तर तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की सुविधा शून्य है। इसके लिए प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में खेलकूद से संबंधित सामग्री मौजूद है, लेकिन क्रीड़ा स्थल का अभाव है। इसके लिए विभाग द्वारा जमीन का प्रबंध किया जाना अनिवार्य है। ग्राम सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि विद्यालय प्रांगण में इंटरलॉकिंग ईंट द्वारा खरंजा करवा दिया गया है, साथ ही विद्यालय में पानी निकासी का भी प्रबंध कर दिया गया है। आने वाले समय में विद्यालय परिसर में 2 कमरे बनाने का प्रावधान है। अपने विद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी और गणित जो विषय हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत हेल्थ केयर और आईटी की जो ट्रेड्स हैं वो चलती हैं। ऐसी कोई फैकल्टी जो अपने स्कूल में उपलब्ध नहीं है जिसको चालू कराना चाहते हैं? जी हाँ, एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है, निश्चित रूप से आगे बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश का इतना बड़ा विद्यालय है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ एग्रीकल्चर फैकल्टी आती है तो इससे बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर आगे जाकर के प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए हम प्रपोजल बना के भेज रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत एक है कि एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है वो नहीं है, तो मैंने इस बारे में सरपंच साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने कुछ भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर कोई स्थानीय भामाशाह हो तो जो कोई अपने इस तरह से भूखंड देना चाहे, तो निश्चित रूप से यहाँ एग्रीकल्चर फैकल्टी स्थापित हो जाए। तो इस फैकल्टी के लिए आपने संबंधित विभाग को कोई सूचना दी है? जी हाँ, मैंने इसके लिए प्रपोजल बना के भेजा है और एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए, और उसमें जो विभाग ने जो मांगा है जमीन का, तो अभी मैंने भामाशाह के द्वारा दे दी जाएगी, यानी कि इस तरह से शो करके और उस चीज़ को हमने भिजवा दिया है। तो निश्चित रूप से स्थानीय गांव ग्रामवासियों का काफ़ी अच्छा सहयोग है और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि उनसे सहायता मिल पाएगी और निश्चित हम इस फैकल्टी के लिए जो भूमि है वो उपलब्ध करा पाएंगे। विद्यालय में कुछ खेलकूद से संबंधित सुविधाएं हैं स्टूडेंटों के लिए? जी हाँ, उनके लिए पर्याप्त खेलकूद की सामग्री है उपलब्ध खेलकूद के लिए, लेकिन जो खेलकूद का जो मैदान है वो अभी अनुपलब्ध है, क्योंकि सामने जो हालांकि अभी तो विभागीय निर्देशानुसार जो प्रांगण है जो विद्यालय का, वो खेलकूद मैदान के रूप में प्रयुक्त होता रहा है,